वेस्ट कॉटन की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर तमिलनाडु के 150 ओपन एंड स्पिनिंग मिल मालिक हड़ताल पर हैं। फिलहाल ये हड़ताल केवल 5 दिन की है, लेकिन मिल मालिकों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वो ये हड़ताल अगले 10 दिन तक जारी रखेंगे। तमिलनाडु की 150 ओपन एंड स्पिनिंग मिल पिछले 3 दिनों से बंद है और आने वाले 2 दिनों तक बंद ही रहेगी। दरअसल ओपन एंड स्पिनिंग मिल के मालिकों ने सरकार के खिलाफ विरोध में मिल बंद कर रखी है। ओपन एंड स्पिनिंग मिल में कॉटन यार्न बनाया जाता है, जिसमें इस्तेमाल होने वाले वेस्ट कॉटन की कीमत में सरकार लगातार बढ़ोतरी कर रही है। पिछले 2 महीनों में वेस्ट कॉटन की कीमत 75 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 94 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि पिछले साल तक इसकी कीमत 24 रुपये प्रति किलो थी। इसके अलावा इस पर लगने वाले सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने और टेक्सटाइल मिलों द्वारा वेस्ट कॉटन पर से पैकिंग चार्जेस हटाने जैसी मांगों को लेकर मिल मालिक हड़ताल कर रहे हैं। इफ यू टेक एक्चुअली तमिलनाडु ओपन एंड स्पिनिंग मिल्स फेसिंग नाउ इट्स अ बिग प्रॉब्लम। वन इज रॉ मटेरियल हाइक, प्राइस हाइक। एक्चुअली इन तमिलनाडु 2 मंथ्स बैक इफ यू सी द कॉम्बर्न ऑयल कॉटन वेस्ट रेट इज ₹70 पर केजी, वेयर एज दैट सेम कॉम्बर्न ऑयल cotton waste rate is now ₹94 per kg, which is abnormal hike. So that is the biggest issue for us. मिल मालिकों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे अपनी हड़ताल अगले और 10 दिन तक जारी रखेंगे। इन मिलों में एक दिन में 10 लाख किलो तक ग्रे यार्न और 7 लाख किलो तक रंगीन यार्न का उत्पादन होता है। मिल मालिकों का कहना है कि पहले से ही मिल घाटे में चल रही है। वेस्ट कॉटन की बढ़ती कीमतों के कारण वो दिन दूर नहीं जब ओपन एंड स्पिनिंग मिल पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।